subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dosto. Umeed hai sab khairiyat se honge. अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. BMBS हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक आज का हमारा है कल्चर और चैप्टर है 5. तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और दो एक चीज़ें ही इसमें याद रखने वाली हैं. बाकी ये है कि सारे पैराग्राफ हैं, हम उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे इंशाल्लाह, तो वो आसानी होगी उनको तैयार करने में. तो आज हम देखेंगे कि कल्चर क्या होता है और फिर उसको देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है. ठीक है, आज हम इन चीज़ों को देखेंगे. उसके बाद फिर दो चार जो थ्योरिस्ट थे, सेशन हैंडी एंड ऑफसेट वगैरह जो थे, तो इनके बारे में भी आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कुछ कहा है. चलें आज हम थोड़ा सा ना पहले कल्चर को डिस्कस करते हैं. अच्छा, बात यह है कि कल्चर होता क्या है. मतलब हम अगर अपनी एक कॉमन लाइफ में देखें, जनरल देखें और अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा के देखें, तो हमारा कल्चर हम क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं. हम अगर दो वर्ड में डिफ़ाइन करना चाहें तो वो यही होता है कि हमारा रहन सहन का तरीकाकार. ठीक है ना, इसको कल्चर कहते हैं. अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो हमारे पूरे पाकिस्तान का एक कॉमन कल्चर है जो हम सारे लोग शेयर करते हैं. क्या मतलब है कल्चर, क्या है हमारा, कि हमारा सबसे पहले तो ये है कि हमारे ये बिलीफ हैं कि एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम के नाम पे वजूद में आया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है. ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है. ठीक है, हमारा कौमी लिबास जो है शलवार कमीज़ है. ठीक है, तो ये सारे हमारे कल्चर होते हैं. ठीक है, मतलब कि इंसानियत का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ मिल के रहना, भलाई हमसाईगी बला बला जो चीज़ें भी हैं हमारी, ये सारा कल्चर होता है. ठीक है, नेशनल लेवल का कल्चर जो है वो हमारा लॉ या हमारे रूल्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि ये हमारा कल्चर है. अब हम ज़रा अपने लोकल लेवल पे आते हैं तो देखते हैं कि हम पंजाबियों का कल्चर क्या होता है, सिंधियों का कल्चर क्या होता है. तो वो हम फिर डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारे रहन सहन का तरीका डिफरेंट है, हमारे खाने पीने का तरीका मुख्तलिफ है बाकी सूबों से, और हमारी खुराकें भी ठीक हैं. कराची की बिरयानी है तो लाहौर के पाए हैं. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, डिफरेंट है. ये हमारा प्रोविंशियल लेवल पे होता है. हमारा लिबास भी डिफरेंट है, वहाँ पे और किस्म का होता है. सिंधी टोपी चलती है तो यहाँ पे शलवार कमीज़ चलती है या धोती चलती है. तो ये चीज़ें, तो ये हमारा कल्चर होता है. फिर अगर हम जनरली अपने मोहल्ले में आके देखें तो वहाँ पर हमारा एक अपना लोकल कल्चर भी होता है वहाँ के रिहाइश के हिसाब से. कि अगर देखो एक मोहल्ले में अगर सारे पंजाबी उर्दू सराइकी सब रहते हैं तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी होगी वो वाले लोगों का कल्चर जो हो वहाँ पे डोमिनेट कर रहा होगा. से कि अगर सारा एरिया सराइकियों का है तो वहाँ पे अगर थोड़े बहुत पंजाबी और उर्दू भी हो गए तो 5 साल बाद वो भी सारे सराइकी हो चुके होते हैं, तो वो कल्चर अडॉप्ट कर जाते हैं. तो कल्चर का मतलब ये होता है कि हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे नॉर्म्स, हमारे बिलीव्स, हमारे अकायद, मतलब मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ किस्म का कल्चर होता है. अगर हम अपने आप को फ़िरकों में बाँट तो फिर सुनिशिया का कल्चर आ जाता है. इस तरह हम सूबाई लेवल बांटे तो सिंधी पंजाबी बलोची और केपीके वालों का, पख्तूनों का कल्चर आ जाता है. तो कल्चर कई लेवल पे होता है, कई किस्म का होता है, कई तरह से होता है. ठीक है, जो चीज़ हमारे कल्चर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है वो होती है हमारे बिलीफ. अगर हम लोकल लेवल पर देखेंगे एक इलाके में रहने वाले तो हमारे बिलीफ ये होंगे कि भाई हमने इस इलाके को अच्छा बना के रखना है, ये बहुत अच्छे लोगों का इलाका है, हमने साफ़ सुथरा रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, कोई यहाँ पर भीख नहीं मांगेगा, हम अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर में शोर हो तो दूसरे घर में कोई डिस्टर्ब हो, बाहर गली में हमने घूमना नहीं है, बाहर गली में एलिफेंटों की तरह नहीं करना. तो ये कल्चर होते हैं लोकल. इस तरह नेशनल लेवल पे जो हमारे लॉज वगैरह होते हैं वो हमारा कल्चर डिफाइन करते हैं कि किन किन चीज़ों को हमने फॉलो करना है, किन को नहीं करना, कहाँ पे हमें रिलैक्सेशन है तो कहीं पे रिस्ट्रिक्शन है. तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा कल्चर बनाती हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं. अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन देखें, अगर हम एक कंपनी देखें तो उसका अंदर का कल्चर क्या हो सकता है. मतलब हम एक कॉमन सेंस लगाते हैं, ज़रा हम ही बैठ के आँखें बंद करें और तुक्का लगाएं कि वहाँ का कॉमन कल्चर क्या हो सकता है. कल्चर का क्या मतलब है, मतलब ये कि वो लोग आपस में कैसे डील करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करते हैं, इनफॉर्मल करते हैं, फॉर्मल करते हैं, फिर ये है कि रिटर्न मीन के थ्रू करते हैं या ओरली करते हैं, फिर ये है कि सारा दिन उनकी बातचीत आपस में चलती रहती है, या ये कि वो काम की में ज़्यादा बिजी रहते हैं, फिर ये होता है कि वो जिस काम जो कर रहे हैं उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं यह क्या ये कंपनी ठीक है, क्या ये कंपनी अच्छी वैल्यूज़ पे खड़ी हुई है, क्या ये इस कंपनी का जो मोटिव है, पर्पज़ है वो लॉफुल अच्छा है और हमारी सोसाइटी और इकॉनमी के लिए अच्छा है, क्या इसके ऑनर हमारे लिए अच्छा समझते हैं, उनकी लॉयल्टी जो होती है, फिर उनकी जो कस्टमर के साथ डीलिंग होती है कि कितने अच्छे तरीके से डील करते हैं, उनको सलाम दुआ वगैरह करते हैं, ये हमारी तरह कंपनी का एक कल्चर है कि हम लोगों के साथ अच्छा डील करते हैं कस्टमर के साथ. सेम इस तरह की हमारा एक यूनिफॉर्म होता है, अगर एक डिफाइंड यूनिफॉर्म है हम वो पहनते हैं. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कल्चर होता है सारा. ये सारी चीज़ें कल्चर होती है. अब हम इनको बस तोड़ के देख लेंगे या दो तीन डिफरेंट एस्पेक्ट से देख लेंगे इसको, बाकी चीज़ सारी यही है पूरे टॉपिक में. ठीक है ना, पूरे चैप्टर में यही कहानी बताइए कि कल्चर होता क्या है और सारा तीन चार चीज़ें फिक्स है, हमारे नॉर्म्स, हमारे बिलीफ, हमारी आदतें, वर्क करने का तरीके, वर्क स्टाइल, रिलेशनशिप
और क्या कहते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ये 6-7 चीज़ें पूरे चैप्टर में आगे चलनी है। इन्हीं को तोड़ के किसी ने 2 पार्ट में कर लेना है, किसी ने 3 पार्ट में कर लेना है, किसी ने लेवल बना देना है इसके, तो किसी ने कैटेगरी बना देनी है, तो मुख्तलिफ किस्म के इसमें आगे जाके चेंजेस आएंगे, वो हम उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन मेन कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का यही रहता है। आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं भाई कि भाई कल्चर होता क्या है। कल्चर इज़ अ सेट ऑफ डोमिनेंट बिलीव एटीट्यूड वैल्यूज़ एंड नॉर्म दैट इज शेयर बाय द नंबर ऑफ पीपल, के काफ़ी सारे लोग मिलके जो आपस में रहते हैं तो उनके अपने एटीट्यूड क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह बात करते हैं, फॉर्मल है इनफॉर्मल हैं, फिर उनके अकायद क्या हैं, कि भाई वो इस यहाँ पे ये वाला अकीदा बहुत कम मैटर कर रहा होता है कि सुन्नी शिया है या इस टाइप की कोई चीज़ें हैं, यहाँ पे ये वाले अकीदा होता है कि क्या ये हमारी कंपनी का मालिक इतना अच्छा बंदा है। फिर वो जो मुख्तलिफ किस्म की स्टोरियाँ सुनी होती हैं, जिस तरह के हमारे बाबे बैठ के हमें अपने दौर की कहानियाँ सुना के इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इस तरह बाबों ने जो इनके मालिक होते हैं उन्होंने भी कहानियाँ बनाई होती हैं, वो स्टोरियाँ चल रही होती हैं, बिलीफ होते हैं लोगों के बने हुए कि भाई नहीं इस एंटिटी ने ओखे वक्त में हमारे बहुत साथ दिया था उस वक्त, तो आज हम इसके साथ जिस तरह भी जैसे तैसे करके भी चलेंगे तो हमारी इसके साथ वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी जो आपकी बिलीफ एटीट्यूड वगैरह थिंकिंग नॉर्म जो होती हैं काफ़ी सारे लोग मिलकर जिनको शेयर करते हैं, ये आपका कल्चर बनाते हैं। एक कॉमन सी क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, एगर सेशन सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज वर्किंग विद इन अ कंपनी हैव शेयर्ड वैल्यू बिलीफ एंड वे ऑफ थिंकिंग, वही चीज़ जो मैं कर रहा हूँ उसने एक्सप्लेन की, दीज इंटरेक्ट विद द पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ द कंपनीज मैनेजिंग सिस्टम टू क्रिएट अ कॉरपोरेट कल्चर, ठीक है ना। कल्चर अफेक्ट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज विद इन द कंपनी अबाउट व्हाट द कंपनी शुड अचीव, ये सब की सब फजूल लिखा हुआ है, कुछ नहीं याद करना इस पूरे पैरे में। मैं अगर जस्ट आपको कहूँ तो सिर्फ ये एक डेफिनेशन याद करने वाली है कि क्या है कल्चर, इज अ सेट ऑफ डोमिनेंट बिलीफ एटीट्यूड वैल्यूज एंड ऑफ दैट इज शेयर बाय द नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर जस्ट एक डेफिनेशन है, उसकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आर यू कहता है दैट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज रिगार्डेड एज समथिंग दैट हेल्प द कंपनी टू सक्सीड, वही चीज़ के जो लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं और वो चीज़ें होती हैं, या मतलब कि एक खास आपका वे होता है काम करने का जिसको लोग पसंद कर रहे होते हैं, वो आपकी कंपनी को फ़ायदा दे रहा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है वो आपके चीज़ों के लिए आसान होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम इसको पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ अ सेट ऑफ अजम्पशन दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर हैव इन्वेंटेड डिस्कवर्ड और डिस्कवर्ड बाय लर्निंग हाउ टू डील विद प्रॉब्लम दैट ऑर्गेनाइजेशन फेसेस इंटरनली एंड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं हमारे बिलीव्स वैल्यूज़ एटीट्यूड, ये हर बंदा साथ नहीं लाता या हर बंदे का अपना डिफरेंट नहीं होता, ये वो होती है जो आपस में शेयर करते हैं। तो आपस में शेयर की गई वैल्यूज़ अब ये नहीं होती कि कोई किसी दूसरे की वैल्यू अडॉप्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं, ये लोग सीखते हैं जब कोई ये ख़ास किस्म की प्रॉब्लम आती है उसमें कैसे फेस करना है। जिस तरह के मतलब अभी आप देखें कि भाई जिस तरह अब ये हुआ है 50,000 के ऊपर वाली बात पे शनाख्ती कार्ड की शर्त लग गई है, तो अब कुछ कंपनियां थी वो कहती हैं कि नहीं हम हर सूरत लॉ को फॉलो करेंगे, हमने हमेशा फॉलो किया है, अगर यहाँ पे हमारा नुकसान भी होता है तो कोई नहीं, हम इस चीज़ को इस तरह फेस करेंगे, जिस तरह भी होगा ओके सोके करके निकालेंगे। तो जब उनको कोई डिफ़िकल्टी आती है फिर उसको जो हल करने का तरीका निकालते हैं और वो अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हैं तो वो आगे जाल के कंपनी का कल्चर बन जाता होता है, ठीक है ना। फिर वो कंपनी हमेशा ही ऐसा करेगी आगे जाके किसी भी किस्म की पॉलिसीज हालात या सिचुएशन में, फिर वो डट के खड़े हो जाएंगे कि भाई हम पहले नहीं हटे थे तो अब भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वक्त के साथ लोग सीखते होते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है कि न्यू इंट्रेंट्स देयरफॉर लर्न कल्चर ऑफ द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ पार्ट ऑफ द कल्चर, के भाई इस तरह नहीं होता कि बाहर का आने वाला बंदा जो है वो आके कल्चर को आपका चेंज कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो आता है, वो आपके काम करने का तरीका सीखता है और आपके साथ मिलकर चलता है। अगर हम अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को देखें और यहाँ पे क्या कहते हैं जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, आर्टिकल के लिए जाते हैं, तो मैंने अपनी वो इंडक्शन वाली उसमें कर दिया, इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि जो वहाँ का जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है वो आपका नॉलेज वगैरह और ये चीज़ें बहुत कम देख रहा होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है प्रैक्टिकली इसका कोई तकरीबन 1% ही यूज़ होता है। मतलब कि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे थ्योरेटिकली समझ नहीं आना, आप जस्ट वहाँ पर जाके थ्योरी जो है अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको सीखना होता है। अब सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको उस एनवायरनमेंट में जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है फर्म का उसमें एडजस्ट होना होता है कि आप कैसे उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं। वो ये देख रहे होते हैं क्या ये बंदा फ्लेक्सिबल है, क्या ये एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सकता है, क्या ये हमारी बातें मानेगा। ये तो नहीं होगा कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ जाएगा, हम कहेंगे ऐसे काम करो, वो कहेंगे नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, इस तरीके से करना है। तो जो क्या कहते हैं नए आने वाले लोग होते हैं उनको कल्चर सिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, जब वो काम करने लगते हैं अपने तरीके से तो उनको कहा जाता है ना पुत्र इस तरह नहीं चलना, अब वो वाले पुठे तरीके छोड़ दो, अब यहाँ पे प्रोफेशनल वे में हमने इसको क्या कहते हैं कॉपियों को स्टेपल करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे बराबर करना और ऐसे पिन लगा देनी है इसको, हालांकि वो ज़्यादा आगे क्लाइंट के पास ही होना होता है। तो वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, प्रिंट करना निकालना ये सारा एक्चुअली कल्चर सिखाने का पार्ट होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के कल्चर होते हैं, सीधी सीधी सी एग्जाम्पल्स हैं छोटी छोटी उसने दी हुई हैं। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग
क्या कहते हैं वैल्यू बिलीव या एटीट्यूड रख रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज्ड होती है, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कल्चर है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज हो रही है एक कम्युनिटी के अंदर। मतलब हम देखेंगे अगर एक इलाका है उसके अंदर 8-10 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो वो कैसे मैनेज हो रही है, मतलब वो लोगों के प्रेशर से मैनेज हो रही है, क्या वो वहाँ का जो लोकल कल्चर है उससे रिफ्लेक्ट होकर मैनेज हो रही है, कि वहाँ के लोगों की ये थिंकिंग है, तो उनको सेटिस्फाई रखने के लिए हमें सारा कुछ इस तरीके से लेके चलना होगा। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं एक इलाके में कंट्रोल हो रही होती हैं उनको कॉर्पोरेट कल्चर कहा जाता है, जिस कल्चर के अंडर होती हैं, ठीक है ना। मतलब कि मुख्तलिफ कंपनियों का आपस में कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, मतलब यह है कि कल्चर का उन्होंने एक वैल्यू बना दिया कि भाई सारे लोगों को यहाँ पे फ़ायदा रखना है, किसी का नुकसान नहीं करना। मतलब यह है कि दो कंपनी आपस में चोरी छुपे कंट्रैक्ट करके बाकियों को नुकसान करना शुरू कर दें, अंदर खाते ही कीमतें नीचे गिरा के, तो ये चीज़ें नहीं होगी। तो ये कल्चर होता है पूरा एक कॉर्पोरेट का, एक इलाके का। आप आबिद मार्केट में जाएँ वहाँ पर 500 लोग बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या कि आप एक चीज़ की वैल्यू पूछेंगे और वहीं जाके 100 दुकानों से पूछेंगे, मैक्सिमम 50-60 का डिफरेंस होता है, इससे होता ही है ज़्यादा। वजह क्या है कि उन लोगों का आपस में कॉमन शेयर है कि भाई किसी का नुकसान नहीं करना या किसी का इस तरह नहीं करना, तो जो भी उन्होंने प्राइस रखनी है वो सारे फिक्स रखते हैं, तो इसको कॉर्पोरेट कल्चर कहा जाता है। वर्क ग्रुप क्या होता है कि भाई हर वर्क ग्रुप, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वर्क ग्रुप होते हैं, जिस तरह के आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वालों का अपना ग्रुप होगा, सेलिंग वालों का अपना ग्रुप होगा। तो फिर वो ग्रुप के अंदर जो कल्चर होता है, मैंने पहले कहा, हमने जिस तरह डिस्कस किया कि भाई नेशनल लेवल का कल्चर होता है, फिर प्रोवेंशनल लेवल का कल्चर होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कल्चर, यहाँ तक कि लोकल लेवल का और एक घर का अपना कल्चर तक होता है। तो कल्चर डिफरेंट लेवल पर होता है। वर्क ग्रुप क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वर्क ग्रुप होते हैं, तो उनके अंदर फिर लोग होते हैं, उनके अपने सब कल्चर होते हैं। मतलब एक तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर शेयर कर ही रहे होते हैं मुख्तलिफ ग्रुप, लेकिन ग्रुप के अंदर अपना कल्चर होता है, मतलब कि उनके एक ग्रुप है, उसका एक लीडर है। अब हर किसी का यही मानना है कि ये लीडर बहुत अच्छा बंदा है, इसने हमारे साथ मतलब अच्छा किया, ये समझदार और इस तरह का, ये हमारे साथ लॉयल है, नमक हलाल बंदा, हमारे फायदे की बात करेगा, तो सारे उसकी बात मानेंगे, वो उसके उसका लीडर होगा वो ग्रुप का। तो उनका अपना एक सब कल्चर भी है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अलावा, ठीक है ना, इसको वर्क ग्रुप कल्चर कहते हैं। कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें ऐसे ही हैं। उसके बाद कहता है डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल में कोई इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कल्चर का एक एस्पेक्ट हो सकता है। देखो हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि कल्चर जो होता है ना, हम एक पीछे पढ़ के आए कि जो भी नया बंदा आता है उसको कल्चर सिखाया जाता है वहाँ का, ठीक है। और जब हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पीछे पढ़ी थी, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे ही नए लोग आते हैं पुराने लोग छोड़ के जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का इनफॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। नए लोग नए तरीका लेके आते हैं, पुराने छोड़ जाते हैं, हर बंदा अपने तरीके से आगे चीज़ें शेयर कर रहा होता है, लेकिन जो कल्चर होता है इसका, जो बाहर से लोग आते हैं उनको सिखाया जाता है, ठीक है ना। वो अपना जो बाहर का कल्चर लेके आएंगे उन्हें वो भुलावा दिया जाता है। अभी हम जिस तरह बात करें कि मोस्टली हमारे जो इसमें बैच में स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आप इसमें से ज़्यादातर अटेम्प्टर हैं, ठीक है ना। हम लोगों के लिए अब सबसे बड़ा इशू क्या होता है, देखो ये अगर हम इस लेक्चर को करना चाहें ना तो आधे घंटे में हो सकता है, जो हम एक घंटा 10-20 मिनट पे लेक्चर ले जाते हैं। वजह क्या होती है, उसको बहुत ज़्यादा खोल के हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, देखो हमारे पास एक फ्रेश अगर स्टूडेंट आता है और वो बैठ के पढ़ना चाहता है, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है और उसे पास कराना भी बहुत ही आसान है। ये सिंपल उसको आप चीज़ बताओगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, वो चीज़ वैसे ही करता जाएगा जैसा आप कहोगे, और एट द एंड उसने पेपर में भी वही प्रोड्यूस करना है और उसके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ पे आप अटैम्प्ट आ जाती है, अब आप किसी और टीचर से पढ़ के आए हो, अब जब आप हमारे साथ बैठोगे यहाँ पर स्टीरियोटाइपिंग होगी, अब ये सुन रहे होगे साथ, आप पीछे उसके साथ मैच कर रहे होगे, भाई पिछले वाले को भुलाओ, पहले पिछले वाला ख़त्म करोगे, जहन से निकालोगे, जिसकी वजह से फेल हुए तो अगले में आओगे ना कुछ पास करने के चांसेस में। तो हमें सबसे पहले उसको भुलवाना होता है, फिर आपको अपना आइडिया आपके जहन में डालना होता है ताकि कुछ आपको समझ आ जाए। तो इस वजह से हमें कितनी लंबी लंबी एग्जांपल देनी पड़ती हैं करंट सिचुएशन के साथ, करंट सिनेरियोज के साथ मिला के, और उसको मुख्तलिफ किस्म का इंटरेस्टेड करके आपको बताना पड़ता है, ताकि आप वो पीछे वाला भूल जाएं। अब हमारा जो नेक्स्ट अगला बैच होगा इंशाल्लाह, उसमें ज़्यादातर फ्रेश स्टूडेंट होंगे और वो हमें इस तरह की टेंशन भी नहीं होगी उसमें। हम अब उसमें जो इतना टाइम अब इस पे एक्सप्लेनेशन पे लगाते हैं, हम उस बैच में टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, हम उसमें अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, हम अपनी बुक रेडी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारा अगले में प्लान भी यही है कि अपनी बुक या अपने नोट्स साथ साथ प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट कनेक्ट किया करेंगे। अभी इस सेशन में ये होगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हद तक आपको पास पेपर करवा दिए जाएंगे या पेपर सॉल्व करने का तरीका बता दिया जाएगा। चले आगे चलते हैं। तो हम इसको ये डिस्कस कर रहे थे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में और कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो कल्चर में ये होता है कि भाई जब कोई बंदा आता है उसको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सिखाया जाता है। कल्चर कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है इसको चेंज करना। वजह क्या, ये बिलीफ और वैल्यूज़ के ऊपर बना होता है। हमारा एक बिलीफ है कि अल्लाह ताला एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी हैं, दैट्स इट। हमारा मेन कल्चर इसके ऊपर, इसको चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। सेम इस तरह जो कल्चर होता है वो फिक्स होता है, आने वाले लोगों को वो कल्चर अडॉप्ट करना पड़ता है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लोग आते हैं और अपना कल्चर या अपनी वैल्यू साथ लेके आते हैं, उस हिसाब से चेंज होता रहता है साथ साथ। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बहुत छोटे लेवल की एक टर्म है, जबकि कल्चर एक बहुत बड़े लेवल की टर्म है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है ये कल्चर का एक पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। डीपली एम्बेडेड आगे चलते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कल्चर फॉर द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के लिए उसकी कल्चर की क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है कि यार जो हमारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से होती रहें, हम अपने जो चीज़ लोग हैं ये अच्छा अपना काम करते रहें, हम चीज़ें मैनेज करते रहें, और क्या कहते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते रहें, हम अपने क्या कहते हैं जो हमारी क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज हैं वो वैसे के वैसे इंप्लीमेंट रहे। मैनेजमेंट का ये मेन होता है कंसर्न, ठीक है। अगर उनको पता है कि आप लोगों का कल्चर क्या है, उसे एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का मैनेजमेंट को पता है, ठीक है, कि भाई नीचे जो मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग हैं ना उनका कल्चर इस टाइप का है कि वो लोग जो हैं प्यार से बात को समझते हैं, धमकी लगाओ तो स्ट्राइक पे निकल आते हैं। अब अगर उसको पता चल गया कि ये लोग कैसे मैनिपुलेट हो सकते हैं, तो उनको मैनिपुलेट करके उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करके अपनी मर्जी का काम करा सकता है। सेम इस तरह पता चलता है कि एडमिन वाले लोग जो हैं ये बड़े इमोशनल टाइप लोग हैं और इनमें माइथ्स और स्टोरीज बनी हुई हैं कि भाई इनका ओनर वो था, बब्बे ने कोई पता नहीं 100 साल तपस्या की इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, और फिर उसके बाद वो पहाड़ों की चोटियों पर खड़ा रहा एक टांग के ऊपर, और फिर पता नहीं वो समंदर में मछलियों को खाना डालता रहा, और इस तरह उसने बड़ी मेहनत की ताकि आज हम लोगों को रोजगार मिल सके। जब उसे पता चलता है कि अच्छा ये लोग उन कहानियां बिलीव करते हैं, वो क्या करता है, वो किताब उठाएगा, उसमें एक चैप्टर और ऐड कर देगा कि बाबा जी ने आज से 200 साल पहले फरमाया था कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा उसको उतना अच्छा रिवार्ड मिल जाएगा, और ये लिखा हुआ है। तो उन लोगों को इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है और क्या कहते हैं उनसे काम निकलवाया जा सकता है। तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि भाई मैनेजमेंट का जो मेन कंसर्न होता है वो होता है काम करना, दैट्स इट, कि आप लोग काम करते रहो और मैनेज होते रहो। तो उनको जब पता चल जाएगा कि भाई आप किन किन चीज़ों से क्या इन्फ्लुएंस होते हो, मोटिवेशन होती है, आपका कल्चर क्या है, तो वो कल्चर को अंडरस्टैंड करके अपना काम निकलवा सकते हैं आपसे, ठीक है ना। जिस तरह की आप हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी फर्म में देखें तो वहाँ पे जो मैनेजर होता है अगर उसे पता चल जाता है कि भाई ये जो 2-3 लोग हैं ये जो आपस में बैठे हैं इन ये शौखे लोग हैं, ज़रा क्या कहते हैं इनको थोड़ा सा वो हलाशेरी करो तो बटरिंग करो तो ये चढ़ जाते, तो वो पीछे से भागता भागता आता है मैनेजर, यार आज ये काम मुका गए हो सर जी, रात 1 बजे, यार तुम्हारे लिए क्या मसला है, जीतते बंदे हो कोई नहीं, तुम तो पहले भी कर लेते हो, अगला भी चौड़ा होकर वो काम रात 1 बजे तक बैठ के करके जाते हैं। तो ये एक्चुअली होता है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल में इस पूरे उसमें कोई पैराग्राफ नहीं है काम करने का, हम इसको देखते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर ऑफ वर्क ग्रुप इज एसेंशियल टू द लीडर ऑफ दे लीड, कि जिनको लीड करें उनका कल्चर उन्हें पता आना चाहिए। मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द ग्रुप और द ग्रुप्स दैट दे मैनेज, बाय अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप कल्चर दे कैन ट्राई टू इन्फ्लुएंस इट एंड करिंग द पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड। पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाला एक पैराग्राफ है, आपने इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं। अब ये फैक्टर्स हैं कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हर चीज़ को सेपरेट करते जाना है आपने, चीज़ें मिक्स नहीं होने देनी। ये वो फैक्टर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर को शेप करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये वाले एक जनरल फैक्टर हैं, जब आगे हम थ्योरीज में जाएंगे इन्हीं फैक्टर को तोड़ मोड़ के उन्होंने अपनी थ्योरी में एडजस्ट किया हुआ है। जनरल और कॉमन फैक्टर यही रहेंगे। सबसे पहले तो ये होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड साइज, कि भाई कंपनी का साइज कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ज़्यादा है तो उनका अपना एक कल्चर होगा। उनका मतलब ये होगा कि भाई अगर बड़ी कंपनी है तो उन लोगों के अपने SOPs होंगे, काम करने के तरीकाकार होंगे, उनकी अपनी यूनिफॉर्म्स होगी, आपस में इंटरलिंक करने के अपना तरीकाकार होगा, लोग आपस में किस तरह करते हैं और वो खुद को किस तरह सुपीरियर समझते हैं दूसरों वालों से, ठीक है ना। कल्चर में ये भी होता है कि उनका ये बिलीफ होता है कि देखो हम बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हैं तो हम दूसरों से सुपीरियर हैं। तो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर और साइज़ होता है आपकी कंपनी का, वो भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है उसको डिफाइन कर रहा होता है। लीडरशिप मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी जो लीडरशिप है, अगर क्या आप जिस तरह मैंने आपको कहा कि ग्रुप्स कल्चर होता है उसमें एक लीडर होता है सारा मेन, वही डिफाइन कर रहा होता है कि कल्चर कैसा होगा। वो बता रहा होता है कि भाई लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, या लोग हर बंदा मुझे आके डायरेक्टली रिपोर्ट करे, या हम लोगों का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, या हम काम का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो जो लीडर होता है वो ज़्यादातर क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कल्चर को चेंज करने में। आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? सबसे पहले आंखें बंद करके देखो कि सोचो कि इन्वायरमेंट हमने क्या पढ़ा था। सोचो ज़रा, ध्यान में आया? आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर भाई दोबारा से शुरू करो, जीरो से आ जाओ। अच्छा, तो हमने पढ़ा था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जो बाहर के फैक्टर जो होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, जिसमें आपने पेस्टल एनालिसिस किया था भैया। तो अब वो जो फैक्टर इन्वायरमेंट होता है वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर बाहर के सारे लोग जो हैं वो मिलजुल के रहते हैं, अच्छे हैं, माहौल का ख्याल रखते हैं, नेचुरल है, ग्रीन है, और दरख्त वगैरह लगाते रहते हैं ये वो, तो इस तरह फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर भी पड़ेगा कि अब आपकी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनेगी जो वहाँ के लोगों के अगेंस्ट में हो, वहाँ पे पॉल्यूशन पैदा करे। तो ये आपके कल्चर जो होगा, आपका इन्वायरमेंट के जो आपके फैक्टर होंगे वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इफेक्ट करते हैं। फिर इवेंट्स के जो क्या कहते हैं इसकी एंटिटी के
या ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ टाइम के दौरान वाकयात रोनमा होते हैं वो भी कल्चर को इफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे कि मैंने अभी कहा कि अभी देखो कि जिस तरह अभी 50,000 से ऊपर वाली बात पिछनाती कार्ड की शर्त लगी है, तो अब जो कंपनी इस पर डट गई और कहती है कि नहीं भाई हमने हर सूरत इसके साथ चलना है, बेशक उनके अपने फ़ायदे हों उसमें वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर की गई है कि हम हुकूमत के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पक्के पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया उन्होंने और कहा कि ठीक है भाई हम इनके साथ खड़े हैं, 50,000 से ऊपर वाली जो सेल होगी उसके साथ हम शनाती कार्ड की कापियाँ दे देंगे, ठीक है ना। अब ये और बात है कि जब एक बंदा 50,000 से ऊपर की सेल करेगा तो वो अपने घर से तीन बंदों के नाम पर 10,000 की करा के वो सेल ले सकता है, क्या कहते हैं 10-15,000 की डिवाइड करके 50,000 के अकेला बंदा सेल ही नहीं करेगा, शनाती कार्ड कहाँ से लोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो अभी हमने जिस तरह देखा कि अब उनका एक कल्चर बन गया यहाँ पे इवेंट्स के फॉर्म में कि उन्होंने हर सूरत में पाकिस्तान का साथ देना, अभी उनके कल्चर का पार्ट है। कल को किसी भी किस्म की एडवर्स सिचुएशन होगी वहाँ के जो लोग होंगे, जो वहाँ का हमला होगा, स्टाफ होगा, उनका सिर्फ एक स्टैंड होगा कि भाई हम किसी भी तरह मुल्क के साथ खड़े हैं, बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई कल्चरल वेब क्या होता है। ये हमने क्या पढ़ा, ये वाले फैक्टर थे जो एक कल्चर को अफेक्ट करते हैं या उसको शेप करने में जो अपना किरदार अदा करते हैं। तो क्या था, स्ट्रक्चर और साइज, लीडरशिप, एनवायरनमेंट, इवेंट्स, ठीक है ना। अगर हम देखें तो फ्ली बन जाता है एफ एल डबल ई। आगे चलते हैं द कल्चरल वेब, एन अप्रोच टू एनालाइज कॉर्पोरेट कल्चर हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द जॉनसन स्कूल, दे हैव सजेस्टेड दैट देयर इज अ कल्चरल वेब। उन्होंने जनाब जी एक स्पाइडर वेब के साथ एक कल्चरल वेब निकाल दिया, उन्होंने नई चीज़ इजाद कर दी, ठीक है ना, जिसको पैराडिम भी कहते हैं, विच दे कॉल पैराडिम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द कल्चर वेब कंसिस्ट ऑफ 6 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर विद एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि भाई जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कल्चर होता है, ये वाले वो फैक्टर थे जो अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ये वो वाले फैक्टर हैं जो उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, जो बना रहे हैं कल्चर को आपस में मिलके, क्या क्या उसमें फैक्टर और चीज़ें इन्वॉल्व होती है। देखो हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी इसकी, डेफिनेशन में क्या था ज़रा हम उसको ऊपर जाके देखते हैं। ए कल्चर इज़ अ सेट ऑफ डोमिनेंट बिलीव्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, नॉर्म दैट आर शेयर्ड बाय नंबर ऑफ पीपल। मैंने क्या कहा था, इन्हीं चीज़ों को आगे रखेंगे, देखो रूटीन एंड रिचुअल, स्टोरीज एंड बायस, सिंपल्स, पावर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम, उन्हीं को रगड़ रगड़ के ये आगे चल रहे हैं, ठीक है। कल्चरल वेब क्या होता है कि भाई उसने कहा कि 6 इंटर रिलेटेड एलिमेंट होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिटरमिन कर रहे होते हैं। मतलब अब देखो कि भाई वहाँ पे इन 6 में से जो भी फैक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा, वो कल्चर वहाँ पे प्रिवेल कर जाएगा। जिस तरह हमने क्या कहा था पीछे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, हमने वो 5 बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल पढ़ा था कि भाई जो सा ब्लॉक प्रोमिनेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वैसा बन जाएगा, वो अपने हिसाब के मुताबिक स्ट्रक्चर बना लेगा। सेम यहाँ पे हम कल्चर में कहेंगे कि भाई ये 6 फैक्टर हैं, 6 क्या कहते हैं इसमें एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो भी क्या कहते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो अपने हिसाब से कल्चर बनाएगा। तो क्या क्या है वो एलिमेंट, वो कहते हैं रूटीन एंड रिचुअल्स, कि भाई रूटीन क्या होती हैं, कि चीज़ें काम करने का तरीका, जिस तरह कि मैंने अभी आपको पहले कहा कि जब आप फॉर्म में जाएंगे तो वहाँ पे स्टेपल करने का एक तरीका है, पंच करने का एक तरीका है, प्रिंट करने का एक तरीका कार है, तो वो आपको सिखाया जाएगा, तो वो वहाँ का एक कल्चर है, वो रूटीन है। रिचुअल्स क्या होती हैं, कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल इवेंट्स होते हैं इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह के मैंने अभी बता दिया कि भाई हो सकता है कि आपकी फर्म को पिछले पूरे साल में कोई ऑडिट ना मिला हो, बड़े क्लाइंट भी निकल गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी फर्म ने कहा कि नहीं यार मेरे ट्रेनी स्टूडेंट है, स्टाइपेंड इनकी 2-3 को जानी चाहिए, बहुत ही अच्छी फर्म थी जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो उन्होंने फिर भी 2 तारीख को आपको ना स्टाइपेंड दे दिया। तो इस तरह के जो आप उसके होंगे कि भाई आगे किसी भी किस्म की वर्स्ट सिचुएशन होगी, लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई इन्होंने ओखे से ओखे हालात में भी हमें जो था ना स्टाइपेंड दे दी, तो हम इसके साथ खड़े हैं। तो जो रूटीन और रिचुअल्स होंगी वो उसमें इफेक्ट करते हैं। स्टोरीज एंड बाइथ, वही चीज़ हमने बताया कि स्टोरीज एंड बाइथ जो होती हैं उनके बाबों की स्टोरियाँ, उनके मालकों की स्टोरियाँ, कि भाई किस तरह वो उसने क्या कहते हैं मुल्क बदरी काटे, जिस तरह कि हम अपने दिलों के वज़ीर आज़म मियाँ साहब को देख लें कि वो इतना अब यहाँ पे क्या कहते हैं बार बार उनके लोग बैठ के, कि देखो भाई 10 साल वो मुल्क बदर रहे, उन्होंने जेलें काटी, अभी भी वो जेल काट रहे हैं, बच्चे उनके बेचारी यतीम हो चुकी है, बीवी के जनाजे पे नहीं गए, बच्चे उनके अपने जनाजे में, मतलब उसको वो बना रहे हैं कि उसकी स्टोरीज माई था। अब आप आज तक तो ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता ये कोई 100-150 साल चल जाती है पार्टी, तो 150 साल बाद आने वाली हुकूमत के लिए तो ये भुट्टो बन जाएगा। आप अपने भुट्टो को उठा के देख लो कि दुनिया मर गई, भुट्टो नहीं मर रहा, सिंध मर गया, भुट्टो नहीं मर रहा, तो वो ये भुट्टो बन जाएगा। तो ये वाली स्टोरीज़ और जो माइथ होती हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर, उसके जो लीडर्स होते हैं उनकी कुर्बानियाँ और उसके बारे में जो बातें फैली होती हैं, हकीकत होती है नहीं होती और बात है, लेकिन लोग उस पर बिलीव कर रहे होते हैं, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को आपके डिफाइन कर रहा होता है। सिंबल्स क्या होते हैं, जिस तरह के हम कहते हैं सिंबल कैन बिकम अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई अगर एक आपने सिंबल डिवेलप कर लिया जिसमें जो बाजूकात होता है, किसी में मुक्के का सिंबल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी में यूनिटी का सिंबल होता है, किसी में विक्ट्री का सिंबल होता है, ठीक है। अब ये सिंबल जो है एक्चुअली
तो जस्ट एक देखा जाए तो एक लोगो है, लेकिन नहीं, ये आपका इंटरनल कल्चर है। ठीक है, अगर आपके सिंबल में यूनिटी है तो वहाँ के लोग हर सूरत इस फैक्टर जहन से जहन में हर सूरत ये चीज़ मौजूद होगी कि हमें एट द एंड हर सूरत में यूनाइट रहना है और यूनाइट रह के काम करना है और एक दूसरे के भले के लिए काम करना है। तो सिंबल्स भी जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। ये एक एक दो दो लाइनें हाईलाइटें सिर्फ यही याद करने वाली हैं, कोई पूरे पैराग्राफ को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसमें। पावर स्ट्रक्चर, अब मैंने पहले कहा कि भाई जो बंदा पावर में होता है, जो लीडर होता है ग्रुप का, वो भी इफेक्ट कर रहा होता है, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को। हम ये ऊपर भी पढ़ के आए हुए हैं, फिर हम वही चीज़ बाद में वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये भी देख चुके हैं कि भाई किस तरह का स्ट्रक्चर है, फॉर्मल है इनफॉर्मल है, और वो कैसे लोगों को इफेक्ट करता है। कंट्रोल सिस्टम क्या है भाई, कि भाई किस बेस पर इनाम मिलता है, रिवार्ड मिलता है। अब ज़ाहरी बात है कि अगर लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करने पर रिवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है और इम्प्लॉयज़ ऑफ द ईयर निकाला जाता है, तो अब वहाँ का कल्चर ज़ाहरी बात है लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बने, एक दूसरे को भाई भाई कहें, सर सर कहें, यस सर कहें, ओके सर कहें, और जैसा आपका हुक्म जनाब, जो जनाब बंदा बंदा है ना चीज़ हाजिर और बला बला कर करके एक अपनी वैल्यू बनाएं। तो ये कंट्रोल सिस्टम जो आपका रिवार्ड सिस्टम होता है, ये भी आपके कल्चर को डिफाइन कर रहा होता है। तो अब ये छः एलिमेंट हैं और ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। अब इनमें जो भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो अपने हिसाब से कल्चर डिफाइन कर लेगा। अगर स्टोरीज और माइथ पे लोगों का ज़्यादा बिलीव है तो वो उस तरीके से चलेंगे। अगर सैम्बल ज़्यादा स्ट्रांग है तो लोग यूनिटी वाले को ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। पावर स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग है तो लोग उस लीडर को फॉलो करेंगे, वो जो कहेगा वैसा ही कल्चर बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर वहाँ पर वेल डिज़ाइंड और फॉर्मल है तो लोग उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा। कंट्रोल सिस्टम के अगर रिवार्ड जिस चीज़ के ऊपर, जिस परफॉर्मेंस या जिस बात के ऊपर रिवार्ड बेस कर रहा होगा, लोग उसी तरह अपना कल्चर डिफाइन करेंगे। हो सकता है कि रिवार्ड परफॉर्मेंस के ऊपर हो कि ज़्यादा ज़्यादा काम करोगे तो आपको मिलेगा। वहाँ का कल्चर क्या हुआ है, उस तरह की टांगें खींचो, किसी को ना चढ़ने दो, ना खुद चढ़ो ना आप चढ़ो, चढ़ने दो किसी को, तो वो हर किसी की टांगें खींचना सियासत होगी और लोग इस तरह के साथ मुतरफर हो गए, तो वो वाला कल्चर परवान चढ़ता है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, ये एलिमेंट होंगे, ये छः इंटर रिलेटेड एलिमेंट किसी भी, ये हर कल्चर में मौजूद हैं। ठीक है ना, इन एलिमेंट में ये नहीं है कि ये एलिमेंट किसी एक में, कोई एक एलिमेंट मौजूद होगा किसी एक कल्चर में, नहीं, ये हर कल्चर में ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन जो डोमिनेंट होगा इनमें से वो अपने हिसाब का कल्चर जो है वो निकाल जाएगा। इसको कहते हैं कल्चरल वेब। ठीक है ना, पैराडिग्म। आगे चलते हैं डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर के। भाई इसके डिसएडवांटेज क्या है, हम तो शुरू से बैठ के गुनी गा रहे हैं, ठीक है ना, हम इसके तारीफें करी जा रहे हैं, इसके नुकसान क्या है। सबसे पहले वो कहता है कि भाई क्रिएटिंग बैरियर टू चेंज, कि अगर आप देखो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये है, हम अब सीधा सीधी सी बात करते हैं, जिस तरह के हम जरदारी और पीपी को ले लेते हैं। जरदारी ने कहा कि भाई भुट्टो की पार्टी जो है वो नज़रियाती पार्टी है और हम हो सकता है सर कटा देंगे, इन चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। इधर से नून लीग वालों ने भी रोला डाला कि भाई देखो कुछ भी हो जाए मैं जरदारी तुझे लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा और वहाँ पर घसीटूंगा और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने घसीटा और एक दूसरे की आंतें निकाल रहे थे और पैसे निकाल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे। ठीक है, अब लोगों, उनकी पार्टी के लोगों का क्या बिलीफ था कि भाई हम किसी भी सूरत उन लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, हमारा अपना एक नज़रिया है, हम भुट्टो के मानने वाले हैं, हम इन चोरों के साथ क्यों मिले। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड ऊपर वाले मिले, नीचे वाले बेचारे डिसेटिस्फाइड हो गए। अब क्या है कि उन्होंने पहले ट्राई की, अब देखो कि पहले उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की होगी कि आपस में इनका ना हो, हमें नून लीग वालों को डिफेंड ना करना पड़े, या नून लीग वालों ने कोशिश की होगी कि हमें एट द एंड पीपी वालों को ना डिफेंड करना पड़ जाए। ठीक है ना, तो उनका जो कल्चर था वो इसमें बैरियर बन गया था। ठीक है, जिसकी वजह, जिसके बावजूद भी उन लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, तो आज आप देख सकते हैं कि फिर पार्टी कहां पर खड़ी है। सिर्फ ये चीज़ है, टुवर्ड समथिंग दैट इज नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ, बाकी कुछ भी नहीं है इस पूरे पैरे में। ये क्वेश्चन आपसे आता है तो आप जस्ट हेडिंग दें और उसके नीचे डेफिनेशन लिखें, क्रिएटिंग बैरियर टू डाइवर्सिटी, के भाई आप कोई चीज़ ऐसी लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप चीज़ें डिफरेंट एस्पेक्ट से करना चाह रहे हैं, डाइवर्सली आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फेसिंग रेजिस्टेंस व्हेन एमिंग टू अचीव ग्रेटर जेंडर बैलेंस इन द बोर्ड रूम कंपोजिशन, के भाई वो कहता है, आप देखो कि इसमें यह डाइवर्सिटी थीम क्रिएट अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स वेयर बाय मैनेजमेंट विशेज न्यू एम्प्लॉयज टू कन्फर्म टू द एग्जिस्टिंग कल्चर नॉर्म वाइल सेमिनरिस्टली वांटिंग देम टू बी डिफरेंट इन द सेम वे। देखो, अब ये वाला जो पैरा है ना, इसने पूरी की पूरी हमारी इस टाइम एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री की ना कहानी बयान कर दी है। ठीक है, अब आप कहीं पे आप इंटरव्यू पे जॉब करने जाते हो ना, तो वो उनकी कोशिश होती है कि नए बंदे रखें। वजह क्या है, उनके पास एक्सपीरियंस नया होगा और नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे, लेकिन एट द एंड उनकी सोच क्या होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन में आके हमें यस बॉस ही कहें, जिस तरह हम चल रहे हैं वैसे ही चलें, हमारे नीचे लग के रहें, हमारी बातें माने।
तो इस तरह की जो चीज़ है तो भाई मतलब आपस का इनका आपस का कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि लोग आप नए रख लो इस किस वजह से कि वो नए आइडियाज़ लाएं और फिर आप आगे कहते हो कि काम वही पुराने वाले करें जो हम कर रहे हैं, हमें यस बॉस कहें और हमारे नीचे लग के रहें और जैसा हम कहें वैसा करें, फिर भाई फ़ायदा क्या है इंप्लॉय रखने का। तो इस पूरे पैरे में वही स्टोरी बताई हुई है, देखो द डाइवर्सिटी थीम क्रिएट्स अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स वेयर बाय मैनेजमेंट विशेस न्यू एम्प्लॉयज टू कन्फॉर्म टू एग्जिस्टिंग कल्चर, कि भाई नए एम्प्लॉय जो हैं वो एग्जिस्टिंग कल्चर को अडॉप्ट करें जबकि साथ ही वो है वो नए तरीकों से काम भी करें और दूसरों से डिफरेंट भी हों। लो भाई ये अब कौन सी रॉकेट साइंस हो गई यार, मतलब हद हो गई कि भाई तुम कह रहे हो कि इसी कल्चर में आओ और हमारे साथ मिलकर काम करो और एट द एंड फिर कहते हो कि वही काम करो जिस तरह हम पहले से कर रहे हैं। तो जो क्या कहते हैं ये बैरियर भी क्रिएट करता है कि आपका कल्चर जो है डाइवर्सिटी के अगेंस्ट में कि आप नई चीज़ें या नए लोग या नए तरीके अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते। अच्छा, क्रिएटिंग बैरियर टू मर्जर एंड एक्विजिशन, साफ सुथरी सी बात है जो हमने अभी पीपी और इसके नूली की एग्जांपल दी, आप सेम उसी को दोबारा यहाँ पे पुट कर लें। वही चीज़ है कि भाई ऑपरेशनल फिट अचीव बट कल्चरल प्रैक्टिस आर नॉट अलाइंड, कि भाई आपने क्या कहते हैं हम सारी ज़िंदगी आपने अपने लोगों को यही बताया कि कुछ भी हो जाए हम अपनी कमा के खाएंगे, हम किसी के साथ मिलेंगे नहीं, हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम मजबूत हैं, एट द एंड जाके जरा आपने दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर लिया तो आपके सारे एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे। उनकी कोशिश तो ये होगी कि मर्जर ना ही हो तो चलते हैं, ठीक है ना। ये डिसएडवांटेज हैं चार। अब देखो कि उसने डेढ़ पेज पर फैला दिया, हालांकि कुछ भी नहीं है, चार हेडिंग्स हैं, तीन हेडिंग्स हैं और उनकी तीन तीन या दो दो लाइनें सारी बनती हैं इसमें डेफिनेशन के आपने जो लिखनी है। आगे चलते हैं सेशन आईडी एंड हाफ सेटिंग की, देखते हैं कैसे क्या एगर सेशन थ्री लेवल ऑफ कल्चर। अब इसने क्या किया, देखो हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कल्चर क्या होता है, फिर हमने देखा कि कल्चर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते होते हैं, ठीक है, फिर हमने देखा कि कल्चर किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है ना, हमने जो छह चीज़ें देखी, फिर हमने कल्चर के डिसएडवांटेज देखे। अब हमने देखना है कि कल्चर के तीन डिफरेंट लेवल, ठीक है, अब ये कल्चर के लेवल हैं जिस तरह, तो देखो हम लेवल किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम एक मुल्क के हिसाब से देखें तो लेवल है, नेशनल लेवल का हमारा कल्चर, फिर प्रोवेंशनल लेवल का हमारा कल्चर, फिर रीजनल लेवल का हमारा कल्चर और फिर हमारे लोकल लेवल का कल्चर, ये लेवल है एक्चुअली, ठीक है ना। नेशनल लेवल का कल्चर किस तरह डिफाइंड होता है, जो हमारे लॉज होते हैं, कानून होते हैं और हमारी जो अपर क्लास है जिस तरह, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी वगैरह ये जिस तरह डिफाइंड करते हैं वैसे। प्रोवेंशनल लेवल का कल्चर कैसे डिफाइंड होता है कि भाई हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे जो इलाके का क्या कहते हैं हुसन है, हमारे इलाके का कल्चर नेचर है, रहने के तरीके हैं, पहनने का लिबास है, बात करने का लैंग्वेज वगैरह, ये सारा कुछ हो जाता है। फिर आप जब लोकल लेवल पे जाते हैं तो फिर आपके बिलीफ अकायद, आपने या जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं वो सारी सुन्नी कम्युनिटी है या सारी शिया कम्युनिटी है या दूसरी कम्युनिटी है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, ये फिर आप लोकल लेवल पे भी कल्चर चले जाते हैं। तो सेम तीन लेवल पे होते हैं, वो कहते हैं आउटर स्किन, एक कल्चर तो वो आप, अब हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एक तो वो कहता है आउटर स्किन, क्या आप सामने जाएँ जो साफ सामने सामने आपको नजर आ रहा हो, आप एक कंपनी में गए आपने वहाँ पे देखा कि वहाँ के सारे लोग जो है खास किस्म का यूनिफॉर्म पहन के फिर रहे हैं, ठीक है भाई गुड है, ये कल्चर है। अगले लोग आते हैं बड़ी तमीज़ से आपका ऑर्डर लेते हैं, आपका मेन्यू लेते हैं, आपको मुस्कुरा के बात करते हैं, चले जाते हैं और फिर आपको मुसलसल सर्व करते रहते हैं, ये उनका कल्चर है कस्टमर सर्विसेज का, ठीक है। आप ऑर्डर देते हो, ऑर्डर देने वाली जगह पर अगर कोई आदमी बैठा है, कैशियर बैठा है, वो अच्छे तरीके से आपको आपको डील करता है, आपका कैश लेता है, चेकआउट करता है, आपको रिसीट देता है, बकाया देता है और उसके बाद थैंक यू बोल के कहता है कि सर जाइए अगली बार फिर चोना लगवाने आइएगा, हम आपको ऐसे ही मुस्कुरा के वेलकम करेंगे, तो ये उनका एक कल्चर है, ठीक है ना। ये वो वाला कल्चर है, आउटर स्किन वो होती है जो हम देख सकते हैं। दूसरा होता है इनर लेयर। इनर लेयर क्या होता है कि जो भाई स्पेसिफाइड होता है, मतलब जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का अंदर स्ट्रक्चर क्या है, आप तो नहीं पता ना, आपको नजर तो नहीं आ सकता वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, वो तो आपको चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर आप देखेंगे यहाँ के प्रोसेसिंग क्या है, फंक्शन क्या है, लोग किस तरह से बात करने का उनका तरीका क्या है, आपस में फॉर्मल है इनफॉर्मल है, लोग किस तरह डील करते हैं, ये इनर लेयर होती है। उसके बाद द पैराडाइम क्या होता है कि ये बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन होती है, कि मतलब मैंने आपको वही कहा कि ये जो दिलों के अंदर बातें होती हैं, ना इनको कोई डिस्कस करता है, ना इन पर ज़्यादा बातचीत होती है, ना ही कोई इनको रिलेट करता है चीज़ों को, जिस तरह के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप में लोग हो सकते हैं, कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, उनके अपने बिलीफ होते हैं, वो अपनी अपनी सियासी पार्टी के हो सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो सकता है कल्चर का, उसकी स्पोज वैल्यू क्या, क्या कहते हैं ये अंडरलाइंग अजम्पशन क्या हो सकती है, भाई कि हमारे जो मालिक थे वो हमारी बच्चों की रोजी रोटी को बचाने के लिए बेचारा खुद मशीन में आके रगड़ा गया। अब इसको वहाँ पे कोई हर वक्त बैठ के डिस्कस नहीं करेगा कि अगले ने एक कॉपी खोला और कहा कि ले अभी साढ़े मालिक साढ़े पीछे मरे हैं, तू ये साइन करा के ले जा या तुझे मैं ये चीज़ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब वो ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती, लेकिन ये आपके दिलों के अंदर होती हैं, आपकी नमक हलाली वाली जो चीज़ है ये जो होती है ये आपके अंदर की बातें होती हैं। तो हम इसको डिटेल से देखते हैं। विजिबल स्ट्रक्चर, फिलोसफीज, मिशन, एथिक्स, स्ट्रेटजीज, गोल्स एंड स्टेटेड वैल्यूज़ वगैरह जो होती हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, बेसिक अंडरलाइंग एक्सेप्शन ये कहते हैं अनकॉन्शियस बिलीफ परसेप्शन थॉट्स दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना। आउटर स्किन को उसने इफेक्ट किया है, क्या है, कैन सी एंड बाय विजिटिंग द कंपनी, इस पूरी देखो इतनी बड़ी उसने चीज़ की है, ये दो पूरी पूरी एग्जाम्पल हैं, इन दोनों को काट दें, ऐसे लकीर मारें,
जिस तरह कि आप इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। सिर्फ आउटर लेयर का क्या है, कैन बी सीन बाय विजिटिंग द कंपनी, आउटर लेयर ही होती है। इनर लेयर क्या होती है, द कंपनी माइट हैव अ फॉर्मल कोड ऑफ एथिक बिहेवियर। इनर लेयर हमने देखा था कि जो उनके एटीट्यूड वगैरह, आपस में बात करने की तरीके, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वो सारा कुछ, विच इज़ इंटेंडेड टू शेप द एटीट्यूड ऑफ ऑल इट्स मेंबर। सिर्फ ये दो लाइनें हैं, इट माइट हैव अ फॉर्मल कोड ऑफ एथिक, कुछ भी नहीं है बिहेवियर। जहाँ पे माइट में और ये चीज़ें आ जाएं, उनको तो आप निकाल ही देना अपने सब्जेक्ट में से, ठीक है ना। आप बस क्या कहते हैं, वो एक एक्सप्लेनेशन के लिए था, आप उसे पढ़ लिया। अगर आगे चलता है, स्टेटेड वैल्यूज एंड मिशन स्टेटमेंट और ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द जनरल टर्म, मैंने आपको पहले बताया कि उनकी जो अपनी वैल्यूज़ होती हैं, जो एटीट्यूड वगैरह, जो बात करने के तरीके होते हैं, वो वहाँ पे लिखे होते हैं। जिस तरह के पी आई ए का लिखा होता है, अजीब बकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, तो इस तरह के अजीब अजीब हर किस्म के होते हैं। तो वो जो उनके लिखी होती है, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, उसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो वो जो होती है इनर लेयर होती है। पैराडिम क्या होता है, ये होता है पैराडिम इज अ टर्म ऑफ द फॉर द शेयर्ड अजम्पशन एंड एटीट्यूड अबाउट व्हाट रियली मैटर दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड, रियली डिस्कस, बहुत कम डिस्कस किया जाता है। दिस अफेक्ट द वे दैट द ऑर्गेनाइजेशन सीज इटसेल्फ एंड द एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स एंड इज रियल कोर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। के भाई एट द एंड जो होता है ना, यही बिलीफ और अकायदी लोगों को काम करने पे मजबूर कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं, आपकी यूनिफॉर्म भी चेंज हो सकती है, आप सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर नमक हलाली वाला आंसर होगा वो आपके अंदर मौजूद रहेगा, उसको कहते हैं पैराडिम, बेसिक अंडरलाइंग सेक्शन जो होती हैं। अच्छा, हैज़ ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज द रीज़न वाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, ठीक है ना। कि अगर इसकी ये रीज़न होती है एक्चुअली, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों कर रही है, कि आप लोगों क्या कहते हैं, पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है हमारे लोगों को। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आपके इलाके में काम कर रही है, उसमें 500 लोग आपके इलाके के भर्ती किए हुए हैं, ठीक है, आप वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करेगी लेकिन आप उसके साथ लॉयल रहेंगे और उसके तरीकों से काम करेंगे। वजह क्या है कि उसने आपके ऊपर एहसान किया हुआ है और ये उसकी एग्जिस्टेंस की वजह है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ए पैराडिम हैज़ बीन डिफाइंड बाई अ कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन किसको कहते हैं भैया जी? कभी आपने रात को सोते हुए आसमान पे तारे देखे हैं और फिर उनकी वो क्या कहते हैं, रीच और नौ और छः बनाने की कोशिश की है, तो वो जो एक तरतीब में सितारे नज़र आ रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं कि मतलब मुख्तलिफ जगहों पर उनको रख के और उन्होंने शेप बनाई होती है आपस में, जिसको हम अजीब से नाम भी होते हैं, दुबे अकबर, दुबे असगर, इस तरह के नाम हैं उनके, तो वो हम कह रहे होते हैं। तो एक कॉन्स्टिलेशन का मतलब यही होता है कि वो जो सितारे हैं उनकी जो शेप्स होती हैं उनकी। तो यहाँ पे जो एक पैराडिम होती है, इसमें जो आपके बिलीव्स और वैल्यूज़ होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे सितारों की तरह चमक रहे होते हैं। ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ कंसेप्ट्स, वैल्यूज़ एंड परसेप्शन एंड प्रैक्टिस शेयर बाई अ कम्युनिटी विच फॉर्म्स अ पर्टिकुलर विजन ऑफ रियलिटी दैट इज़ द बेसिस ऑफ द कंपनी वे कम्युनिटी ऑर्गेनाइज इटसेल्फ। कि भाई वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म की माइट स्टोरियाँ आपके अंदरूनी बिलीफ होते हैं, आपके अपने अकायद होते हैं उस कंपनी के बारे में, आपकी उसके साथ लॉयल्टी होती है, जो मिलके आपकी एक कम्युनिटी बनाते हैं, जो आप उसके साथ शेयर करते हैं वो वैल्यूज, और उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो वैलिड होती है। और ये वाला कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है वेरी क्या चेंज करना सबसे डिफिकल्ट होता है। सेशन अर्ग्यूड दैट चेंजिंग कॉर्पोरेट कल्चर इज़ वेरी डिफिकल्ट, आउटर स्किन आराम से चेंज हो सकती है, जबकि जो एक्सपोज्ड वैल्यू होती है इनको चेंज करना सबसे मुख्तलिफ होता है। ये क्या पढ़ा था हमने, तीन लेवल पढ़े थे, एक जो ऊपर उतरते नज़र आ रहा है, एक जो अंदर की बातें हैं और जो एक बहुत ज़्यादा अंदर की बातें हैं, ठीक है ना, एक लिखी लिखाई बातें और एक बहुत ज़्यादा अंदर की बातें। तीन लेवल कौन से हैं, पहला जो ऊपर से नज़र आता है, दूसरा जो लिखी लिखाई बातें हैं अंदर की डिफाइंड बातें हैं, और तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा अंदर की बातें हैं, हर बंदे के अपने के दिल में जो बिलीफ हैं, उनके अकायद हैं, उन चीज़ों को कहते हैं। तो ये आपके अब जहन में रह जाना चाहिए। कॉर्पोरेट कल्चर, हैंडी ने क्या कहा भाई जान, हैंडी साहब फरमाते हैं सजेस्टेड दैट देयर आर फोर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। अब इसने दो डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर की कैटेगरी बना दी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी देखो कि यहाँ पे ना यार, देखो हम पूरी जो बुक में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और कॉर्पोरेट कल्चर, डिफरेंस तो है लेकिन ये टर्म अल्टरनेटिवली यूज़ होती है, कि मतलब दोनों सेम ही सेंस में यूज़ हो सकती हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, लेवल पढ़ा, पीछे क्या पढ़े, फैक्टर पढ़े, अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इसके क्या कहते हैं टाइप्स पढ़ रहे हैं। ही डिस्क्राइब एज ए फोर डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ रहे हैं हम उसकी। पहला क्या है, पावर कल्चर, कि भाई जिस तरह हमने कहा लीडर वाला कल्चर, एक ही ओनर होता है, एक ही बंदे के पास पावर होती है, वही कल्चर डिज़ाइन करता है, वही सारा कुछ। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कुछ याद आता है आपको, हैं ज़रा सोचे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था क्या, इंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर, ये वही चीज़ है, पावर कल्चर सेम वही चीज़ है, कि भाई एक ही बंदा कर रहा है। अब देखो उसने सारे ना नीचे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा, हम इनको पॉइंट में कन्वर्ट करते जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि भैया पावर कल्चर क्या होता है, देयर इज वन मेजर सोर्स ऑफ पावर ऑफ द सेंटर, मतलब ठीक है ये लाइन है, देयर इज वन मेजर सोर्स ऑफ पावर, पहला पॉइंट ये वाला, पावर अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस स्प्रेड आउट फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट, दो पॉइंट हो गए, ऑफन फाउंड इन स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन, तीन पॉइंट हो गए, बेस्ड ऑन ट्रस्ट, चार पॉइंट हो गए, बॉस मेंटेन फ्रीडम ऑफ मैनूवर, पाँच पॉइंट हो गए, और द
most tries to influence other people through the force of his penalty, blah blah. छः पॉइंट या पाँच पॉइंट टोटल इसके अंदर है, आप इसको सेम इस तरह पॉइंट की फॉर्म में लिख रहे हैं पावर कल्चर को। जब आपको क्वेश्चन आए कि लेवल उसके क्या कहते हैं कैटेगरीज लिखे पावर कल्चर के, वो पाँच पॉइंट लिखेंगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। हो सकता है कि आप ये पैराग्राफ छापे तो आपके नंबर कट जाएँ। आगे चलते हैं, रोल कल्चर क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई ये इट एग्जिस्ट इन अ ब्यूरोक्रेसी वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल डिफाइंड बाय जॉब, एक पॉइंट हो गया। देर इज अ ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनाइजेशन, दो पॉइंट हो गए। द ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज ऑन द फॉर्मल कम्युनिकेशन रेदर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तीन पॉइंट हो गए। ए रोल कल्चर इज प्रोबेबली बेस्ट सुटेड टू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और फेयरली स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, कितना हो गया, चार पॉइंट हो गया या पाँच हो गया, जो भी हो गया, खत्म। ये सिर्फ इसके पांच पॉइंट है। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन विद अ रोल कल्चर आर मैनेज रेदर देन लेड। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, ये हमने ब्यूरोक्रेसी पढ़ी थी, जो ब्यूरोक्रेट स्ट्रक्चर था मैनेज किया जाता है उनको। आगे चलते हैं, टास्क कल्चर क्या होता है, इसको भी हम पॉइंट में कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल, सबसे पहला पॉइंट। वर्क टीम कैन बी फॉर्म डिस्पेंड वेन अ टास्क इज कंप्लीटेड, दूसरा पॉइंट। इंडिविजुअल गेन रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी फ्रॉम देयर नॉलेज एंड स्किल, ये कौन सा हमने पढ़ा था, जरा याद करो, याद करो जरा पीछे आंखें बंद करके। ये हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो पढ़ा था ये उसकी बात हो रही है। ए टास्क कल्चर इज स्पेसिफिकली फाउंड इन अ प्रोजेक्ट टीम एंड डेवलप ग्रुप, ठीक है। वेल सुटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंटिन्यूली फेसिंग न्यू प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, दैट्स इट। ये पूरे इसमें ये चार पांच पॉइंट है, आपने इनको पॉइंट मेरे, यार मैंने आपको पहले कहा है रजिस्टर पे पॉइंट लिखते जाएं। खुदा के बंदो, जब आप पूरी बुक करके रजिस्टर को देखोगे आपके सारे नोट्स तैयार होंगे, एक बार पढ़ना होगा आपको याद होंगे। मैं यार देखो कि ना लास्ट टाइम BM रिवाइज की शायद मुझे ऐसा ही हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मुझे पीछे वाला सारा याद है, आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह उसको साथ साथ बोलता जा रहा हूँ। सेम आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप इस तरह पढ़ें कि उनको पॉइंट्स में बनाएं, आपको याद होना चाहिए, आप इंटर रिलेट करें। मैं अभी पहले चैप्टर के साथ कैसे रिलेट कर रहा हूँ उसको, कोई मुझे 10 साल तो नहीं हो गया ना एक्सपीरियंस पढ़ाते हुए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फर्स्ट टाइम ही हो रहा है सारा कुछ ये। तो ये आपका जो होता है इंटरेस्ट और आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती है वो डिफाइन कर रही होती है कि भाई आप किस लेवल तक इंटरेस्टेड हैं स्टडी में, क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। या जस्ट आपने व्हाट्सएप पे नंबर उठा उठा के दूसरों को मैसेज ही करने हैं, इस पर भी हम जरा बात करेंगे, मुझे अब थोड़ा सा टाइम मिल जाए। आगे चलते हैं, पर्सन कल्चर क्या होता है। द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बिल्ट अराउंड वन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पहले मैं इसकी आपको मिसाल दे देता हूँ कि भाई या तो पूरा स्ट्रक्चर जो होता है एक बंदे को या चंद लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाता है, जिस तरह की हमारी क्रिकेट टीम है 11 लोग सारे खेलते हैं, उसके गिर्द हज़ारों लोगों का एक पूरा कल्चर, वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो सिर्फ उनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बिल्ट अराउंड वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, साफ पॉइंट हो गया। द कल्चर इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू सर्व द टैलेंटेड इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। हमने देख लिया कि भाई क्रिकेट के हमारे कितने टैलेंटेड लोग हैं, माशाल्लाह छा ही गया कसम से, इस बार तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। उसके बाद क्या, इट इज यूजुअल फॉर एन इंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ पर्सन कल्चर बट स्मॉल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन माइट बी स्ट्रक्चर इन दिस वे, कि भाई ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि भाई जरूरी नहीं है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन कल्चर पे डिपेंड करती हो, हो सकता है कि उसका कोई खास एक पार्ट हो, जिस तरह कि हम कह सकते हैं कि एक मैनेजर होता है उसके दो चार क्या कहते हैं अपने ही लोग उसको असाइन किया होता है, उसके एसोसिएट होते हैं, उसके सेक्रेटरीज होते हैं, उसका ड्राइवर होता है, गाड़ी वाला मालिक, गार्ड, घर, बंगला, ये सारा कुछ जो एक छोटा सा एक ये कल्चर होता है, तो वो भी एक पर्सन कल्चर बन जाता होता है। अच्छा, द सेंट्रल इंडिविजुअल मे शेयर सम कॉमन रिसोर्सेज सच एज स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्पोर्ट फंक्शन, दैट्स इट। पूरा इसमें और कुछ भी नहीं है। हैव सम डेडिकेटेड स्पोर्ट्स स्टाफ, डिफरेंट कल्चर में एग्जिस्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, कोई जरूरत नहीं है। द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस हाउ इट इज मैनेज एंड हाउ इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थिंक एंड एक्ट, कुछ भी जरूरत नहीं इसकी पढ़ने की। तो क्या किया हमने क्या पढ़ लिया, कैटेगरीज पढ़ ली, उसकी कैटेगरीज को क्या किया हमने उनको डिफाइन कर लिया और हमने इसको रिलेट भी कर लिया। ये किसके साथ था, सोल प्रोप्राइटर के साथ था, ये किसके साथ था, ब्यूरोक्रेसी के साथ, उसके साथ था क्या कहते हैं जो हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये उसके साथ था। ये क्या था, प्रोजेक्ट टास्क वाला, ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के साथ हमने इसको रिलेट किया। पर्सनल स्ट्रक्चर क्या होता था, हमने इसको स्पेसिफिकली अलग से एक एग्जाम्पल देके कर लिया, जिस तरह की हमारी क्रिकेट टीम के गेंद लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इनको पॉइंट में कन्वर्ट किया और इसको डिफाइन कर दिया। इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव ऑन कल्चर, कि देखो भाई दूसरे इलाके का जो हमारे ओवरऑल मुल्क का कल्चर है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कैसे इफेक्ट करता है, भाई साहब ने उस पर बात की, ठीक है ना, कि भाई अगर कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है किसी मुल्क में तो उस इलाके का लोकल, देखो इंटरनेशनल है, हमारे यहाँ यूनिलीवर है, यूनिलीवर यहाँ की नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिलीवर के अंदर काम कर रहे हैं लोग, जो उनका कल्चर है वो हमारे लोकल कल्चर के मुताबिक होगा, ठीक है ना। तो उस भाई साहब ने यही एक्सप्लेन किया, कहता है कि भाई कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री में काम करती है तो वहाँ का कल्चर जो होता है उसको लाजमी इफेक्ट करता है उसका अपना कल्चर बनाने में, ठीक है ना।
पढ़ लेते हैं 1980 में भाई साहब को कोई तकलीफ हुई और उन्होंने बैठ के क्या कहते हैं कि भाई पॉइंट लिखा, कहता है कि भाई एडेड सम वैल्यू सम यूजफुल व्यूज अबाउट द इफेक्ट ऑन नेशनल कल्चर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आर्ग्यूड दैट कल्चर इज प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप, के ग्रुप लोग बनाते हैं, किसी इंडिविजुअल का नहीं होता। हमने देखा कि कल्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में डिफरेंस यही होता है कि वहाँ पे कब सारे लोग मिलकर कर रहे होते हैं और वो फिक्स होता है और वो लोगों की शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हर बंदा अपने हिसाब से चेंज कर रहा होता है, आता है और अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करता है। देयर इज नो सच थिंग एज इंडिविजुअल कल्चर, कल्चर इज कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड दैट डिस्टिंग्विश द मेंबर ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम द मेंबर ऑफ द अदर ग्रुप। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पूरे इस पॉइंट में ये वाला जो पैरा है ये आपने याद करना है और यही आपने एग्जाम में प्रोड्यूस करना है। दो नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम दे सकता है कि क्या उसका प्रोस्पेक्ट था। ही आर्ग्यूड दैट नेशनल कल्चर आर डिफरेंट एज अ रिजल्ट द कल्चर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन वन कंट्री विल डिफर फ्रॉम द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ डिफरेंट कंट्री। वाह शहजादे, छा गया, क्या बात कर दी तूने, हमें तो पता ही नहीं था। चल ठीक है, मर गया कि जिंदा होगा ये अभी तक यार, चल मर गया तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में तो भेजने वाला ही नहीं है, बाकी अल्लाह ताला इसको खुशी रखे। ये आज का हमारा चैप्टर था, हमने इसको किया और डिटेल के साथ किया, एक्सप्लेन के साथ किया, छोटा सा है, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। चार पांच पॉइंट इसमें मेन याद रख लें। सबसे पहले क्या है, कल्चर की डेफिनेशन क्या है, कल्चर के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है। मेरे ख्याल में तो ख़त्म हो गया, यही कल्चर है सारा। लो वही रोला डाला हुआ है कि भाई मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ें, एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स बना लें। ये नोट्स बनाएंगे यार दो पेज का भी नहीं बनने नोट्स इसके, अल्लाह के बंदे आप किताब देख के डरते रहते हो। नोट्स बनाओ दो पेज तीन पेज के, सारे नोट्स बनने और वहाँ से याद करना, बाद में रट्टा मारना। रट्टा जो है वो क्या कहते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली रिकमेंडेड है कि रट्टा साथ साथ मारते जाएँ। चलें इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। और ये भी 45 मिनट का लेक्चर हो गया यार, मुझे आइडिया भी नहीं हुआ आज, बड़ा मतलब फ्रेश मूड में बंदा। चलें अगले लेक्चर में मिलते हैं और अगला चैप्टर इंशाल्लाह फिर उसमें कवर करेंगे। और तब तक के लिए स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, दुआ कीजिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए और उसके बाद हमें दुआ में लाजमी याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।